नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फोर्थ आई न्यूज़ के इस वेब पोर्टल पर। मैं अपना ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, हर दिन की तरह आज का दिन भी राजधानी में उथल पुथल भरा रहा, और यहाँ भी लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे। यहाँ पर भाजपा की तरफ से जहाँ मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री जो है यहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो दूसरी तरफ जो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से सियासी बयानबाजी चली। चलिए आप पहले ये देख लीजिए कि राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में क्या कहा। अभी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। मित्रों, इस घोषणा पत्र का मतलब क्या? जो राजनीतिक पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है, जिस राजनीतिक पार्टी की बातों पर कोई भरोसा न हो, उसके घोषणा पत्र का औचित्य क्या है? सर, राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा, तो अब सुन लीजिए कि इसके बारे में फिर कांग्रेस ने क्या जवाब दिया। कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज तक इस देश के सामने जो भी वादे किए हैं, और उनका भाषण आप 10 साल उठाकर देख सकते हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करने का भी दम रखते हैं। सवाल जवाबों का ये सिलसिला भी चलता रहा, लेकिन एक अहम घटना यहाँ पर तब हुई जब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास दिलाने के लिए गंगा जल तक उठा लिया, और उन्होंने गंगा जल उठाकर क्या कहा आप भी सुन लीजिए। आज उस चीज को दोहराने के लिए मैं आपके सामने गंगा जल की सौगंध खाता हूँ। 10 दिनों के अंदर किसान का ऋण लोन माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी वादा करती है, गंगा मैया का कसम खा के। खैर, ये सियासी माहौल है, और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो मतदाताओं को किसी भी तरीके से अपनी तरफ लुभाने। कांग्रेस जहां कोशिश कर रही है कि 15 साल के वनवास के बाद एक बार फिर वो सत्ता में वापस आ जाए, तो भाजपा किसी भी तरीके से कोई भी हथकंडा अपना कर इस मौके को एक बार फिर चूकना नहीं चाहती, और वो एक बार फिर सत्ता में काबिज होना चाहती है। लेकिन ये जनता को तय करना है कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।